अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गल्फ इंफॉर्मेशन YouTube चैनल पे। तो साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, एक भाई का सवाल है, एक भाई का नहीं तीन भाइयों का सवाल है जिन्होंने मुझे कमेंट किया है। तो उन सभी भाइयों का सवालों का जवाब देने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों बहुत ही अजीब सवाल मुझे लगा और एक भाई की तरफ से बहुत ही अजीब जवाब दिया गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग ऐसा भी सोचने लगे हैं। खास तौर पे दोस्तों वीजा को लेकर अभी प्रॉब्लम चल ही रहा है, जैसा कि जानते होंगे कतर में वीजा को रिजेक्ट किया जा रहा है, खास तौर पे इंडियन वर्कर का वीजा को रिजेक्ट किया जा रहा है। तो एक मेरे भाई हैं जिनका नाम है जितेंद्र भाई, पूछते हैं कब तक ओपन होगा इंडियन वीजा, कब दोबारा ट्राई करें, एक बार रिजेक्ट हो गया है ये नहीं पता क्यों हुआ। तो भाई देखिए, रिजेक्ट होने का रीज़न अभी कतर हुकूमत के तरफ से या मिनिस्ट्री के तरफ से नहीं दिया जा रहा है, और किसी भी गवर्नमेंटल ऑफिशियल वेबसाइट पे या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी रीज़न नहीं दिया जा रहा है कि इंडियन वर्करों का वीज़ा को क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि कोई भी यूट्यूबर या कोई भी जानकार आपको ये जानकारी नहीं दे सकेगा कि वीज़ा आखिर क्यों रिजेक्ट हो रहा है। ये तो दोस्तों पहला बात हो गया, ये मैं कई दफ़ा आपको बता भी चुका हूं, और ये अचानक फिर से सही भी हो जाएगा, नॉर्मल भी हो जाएगा। फिलहाल अभी वीज़ा को रिजेक्ट किया जा रहा है, ये सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। पर ये कब स्टार्ट होगा, कब फिर से नॉर्मल होगा, ये कोई अपडेट्स अभी फिलहाल अभी नहीं दिया जा सकता है इंडियन वीज़ा के बारे में और इंडियन वीज़ा के लोगों के लिए। पर उसके नीचे एक भाई और यहाँ पे कमेंट करते हैं, भाई लिखते हैं कतर में हिंदू वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। तो भाई इस तरह का भाई मेरे वीडियो में कमेंट किए, तो भाई बता दूं मैं आपको, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कतर में कि वहाँ पे हिंदुओं का वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जा रहा है और मुसलमानों का वीज़ा को एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है। तो ये सब दोस्तों कतर में बिल्कुल भी नहीं होता है। कतर में इंडियन लोगों का सभी का वीज़ा को रिजेक्ट किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का आप मानने वाले हो। तो ये सब ख्याल जो अपने मन से बिल्कुल भी आप निकाल दीजिए, ये सब चीज़ें उस गल्फ कंट्रियों में बिल्कुल भी नहीं चलता है। गल्फ कंट्रियों में आपके काम के आधार पे आपको काम मिलता है, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आपके पास काम करने का तजुर्बा कितना, इस आधार पे आपको वहाँ पे काम मिलता है और आपको सैलरी मिलती है। ऐसा नहीं कि मुसलमानों को वहाँ पे सैलरी ज़्यादा है या फिर हिंदुओं को कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। तो आप ये सब ख्याल बिल्कुल से निकाल दीजिए कि हिंदू को वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, सभी का वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। जैसे ही स्टार्ट होगा और जैसे ही सबका वीज़ा इशू मतलब एक्सेप्ट होना स्टार्ट होगा, सभी का हो जाएगा। तो इस बात पे आप निश्चिंत रहिए। दूसरा एक सवाल एक भाई का और है, भाई लिखते हैं, भाई मैं हाउस ड्राइवर हूँ, मेरा आईडी कैंसिल हो गया है, क्या मैं अब नए वीज़ा पे कतर आ सकता हूँ? तो भाई बिल्कुल अब आ सकते हो नए वीज़ा पे, क्योंकि आपका कतर का आईडी जो है वो कैंसिल हो चुका है। तो आप क्या कीजिए कि दूसरा वीज़ा के लिए आप अप्लाई कीजिए कोई भी अच्छा एजेंट को देखकर या फिर कोई भी कंसल्टेंसी को देखकर, और आप नए वीज़ा निकलवा के आप कतर आ सकते हो। पर यदि आप कतर से बिना बताए कंपनी के भागे थे, तो फिर आप पर दोस्तों फाइन लग गया होगा, ये 100% तय है। अब फाइन ये 10 से 12 हज़ार कतरियाल का जुर्माना होता है। पर तो यदि आप भागे हो कतर से बिना कंपनी को बताए हुए, तो आप पे जुर्माना लग गया होगा, वो जुर्माना भरने के बाद ही नया वीज़ा मिलेगा। या फिर आपका मतलब आपका टाइम पूरा हो गया था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, आप फिर घर आए थे और फिर आपका आईडी कैंसिल हुआ है, तो आप निश्चिंत हो गए, वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो और नए वीज़ा लेकर आ सकते हो। तो दोस्तों छोटी सी जानकारी थी, छोटी सी अपडेट्स थी। किसी तरह का और भी मन में सवाल हो मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद एंड टेक केयर।